तो आओ एक मिनट में बफर को समझते हैं। बफर वो होता है जो पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है। हमारे पास दो तरह के बफर है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर किससे बनता है? वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक बफर किससे बनता है? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बोल रहा है विच विल मेक बेसिक बफर। तो बेसिक बफर कौन बनाता है? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कैंसिल, यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी कैंसिल, यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी कैंसिल, यहां पे वीक बेस है तो हमारा आंसर होगा सी। तो देखो ये वाला ऑप्शन, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl दे रखा है, इसका मतलब हो गया 10 मिलीमोल्स, और 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH दे रखा है, मतलब 20 मिलीमोल्स। 10 मिलीमोल्स 10 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो बचेंगे कितने? 10 मिलीमोल्स। हमारे पास 10 मिलीमोल्स वीक बेस बचेगा और 10 मिलीमोल्स हमारे बन जाएंगे 10 मिलीमोल HCl से। तो ये हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा वीक बेस है, तो ये बन गया ना।